हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन एक माह के लिए स्थगित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। खजनी थाना क्षेत्र में हुई चौकीदार हत्याकांड का एसएसपी ने किया खुलासा। कर्ज में डूबे कलयुगी बेटे ने की थी अपने पिता की हत्या। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरुद्ध जन जागरण अभियान पर संगोष्ठी। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किए जाने की दी गई चेतावनी। कहा, उपयोग करने वाले हो सकते हैं दंडित। बवाल होने की सूचना पर पहुंचे पीआरबी के सिपाही को दबंगों ने डंडों से पीट कर किया घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लूट के 11 मोबाइल के साथ 8 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। एसएसपी ने किया खुलासा। पॉलीथीन पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध के लिए पंडलायुक्त ने की व्यापारी संगठन के साथ बैठक। कहा, निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्यवाही। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में संपन्न हुई संपूर्ण समाधान दिवस। 106 मामलों में से 8 का हुआ मौके पर निस्तारण। तुलसीदास इंटर कॉलेज के सभाकक्ष में एनसीईआरटी पैटर्न पर आयोजित हुई कार्यशाला। विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। दो प्रमुख मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने शुरू किया 48 घंटे का सामूहिक उपवास। रेलवे प्रेस बंद होने के विरोध में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने दोपहर लंच के दौरान किया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यालय मुख्य अभियंता गंडक पर दिया धरना। जिला क्रिकेट लीग में जोनल पुलिस ने स्पोर्ट्स स्टेडियम देवरिया बी को 196 रन से पीटा। और जिला फुटबॉल लीग में फुटबॉल क्लब गोरखपुर ने यंग बॉयज चरगांवों को 1 के मुकाबले 0 और गौतम स्पोर्टिंग ने सौराज स्पोर्टिंग को 2 के मुकाबले 0 के अंतर से पीटा।